नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के जो रिक्त पद हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कितनी पोस्ट खाली हैं और वैकेंसी कब आ सकती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कंप्लीट देखना वीडियो को, और जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसके पदों की संख्या आप देख लेना, कितने जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर खाली है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 4 अप्रैल 2024 को जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर आपको बताई गई है। वैसे दोस्तों, मैंने पहले शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया था, जैसे ये जारी हुए थे उसमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ग्रेड के 21,121 पद जो हैं वो रिक्त हैं। नेक्स्ट सेकेंड ग्रेड के अंदर टोटल 33,104 पद रिक्त हैं। थर्ड ग्रेड के अंदर 29,272 पदों की जो संख्या है वो रिक्त बताई जा रही है, लेकिन वैकेंसियाँ इतने पदों के ऊपर नहीं आएगी, ये तो आप भी जानते हैं। नेक्स्ट है एलडीसी के 3,303 पद खाली हैं। लैब असिस्टेंट के 970 पद यहाँ पर खाली हैं। नेक्स्ट है पीटीआई के अंदर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें 2110 पद यहाँ पर रिक्त हैं। पीटीआई थर्ड ग्रेड में 1895 पद जो हैं वो रिक्त हैं। वैसे दोस्तों, इसकी एक पीडीएफ भी आई थी, मैंने पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, उसको डाउनलोड कर लेना। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले कोई भी अपडेट होती है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आती है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर टीचर के 4586 पद रिक्त हैं, और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 1026 पदों की जो संख्या है वो यहाँ पर रिक्त बताई जा रही है। तो मैंने टोटल की टोटल जितनी भी पोस्ट थी, कितनी पद खाली है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद में तुरंत ही विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों, अब से पहले जो फॉर्म भरे गए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, सेकेंड ग्रेड के जो फर्स्ट ग्रेड के और सेकेंड ग्रेड के जो फॉर्म है वो भरा आ चुके हैं, तो आप तैयारी करते रहें। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो चुनाव के बाद में तुरंत आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।